Hi candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. So बच्चों आप सबके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं तो इरिस्पेक्टिव आपके परसेंटेज कितने हैं क्लास 12th में, जैसे बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों के एवरेज मार्क्स आते हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए. दो डिफरेंट परसेंटेजेस हैं एंड दो डिफरेंट कट ऑफ जाने वाली हैं. तो दो एंट्रीज हैं जिनकी हेल्प से आप अपना करियर इंडियन डिफेंस सर्विसेज में बना सकते हैं. एक आपको पता होगा टेक्निकल एंट्री स्कीम 48 है, जिसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि देयर वाज अ लॉन्ग वीकेंड यहाँ पे, अब जिसके चांसेस हैं, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्द रिलीज हो जाएंगे. नोटिफिकेशन ऑलरेडी एक फॉर्मल नोटिफिकेशन था जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, जिसमें कहा गया था कि अगस्त में नोटिफिकेशन रिलीज होंगे. सो प्रोबेबली हम होप कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड इस मंथ के एंड तक नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, आप सब फिल आउट कर सकते हैं. वहीं दूसरी ओर नेवी 10+2 बीटेक एंट्री के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट फिलअप करने के लिए है 28th of August. तो नेवी बीटेक एंट्री, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन डिटेल में रिलीज हुआ है, इसलिए अभी हम इसको डिटेल में अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. वहीं टीएस एप्लीकेशन के लिए, जैसे मैंने बताया कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ हमें एप्लीकेशन फॉर्म का आउट होने का नोटिफिकेशन मिल सकता है. तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास. आपको जेई मेन्स मैंडेटरी है 2022 का, चाहे आपने फर्स्ट सेशन अपियर किया हो चाहे सेकंड सेशन अपियर किया हो, अगर जेई मेन्स का स्कोर है आपके पास, इररेस्पेक्टिव, याद रखिएगा कि कितनी भी रैंक हो आपकी, क्लास 12th में मिनिमम 60-70% अगर आपके एग्रीगेट हैं तो आप इन दोनों एंट्रीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं. तो यहाँ पे बैक टू बैक दो अपॉर्चुनिटीज हैं आपको SSB इंटरव्यू फेस करने के लिए, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, और दोनों ही परमानेंट कमीशन है. तो अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं SSB इंटरव्यू की और इसे एक सीरियस अटेम्प्ट काउंट करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज होंगी. अगर लक ने एक में नहीं फेवर किया लेकिन अगर आपने हार्डवर्क किया तो आई एम श्योर सेकेंड एंट्री आप जरूर क्लियर कर लेंगे. तो इसकी डिटेल्स अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और किस तरह से आपको अपनी SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है ये भी डिस्कस कर लेते हैं. तो अब इसको नोटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, बीटेक एंट्री का जो आउट हो चुका है, साथ ही इसकी SSB प्रिपरेशन आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं. वहीं टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए भी, अगर आपके 60-70% अबव है और आपने जेई मेन्स का एग्जामिनेशन दिया है तो मैक्सिमम चांसेस हैं आप सारे शॉर्टलिस्ट होंगे. बिकॉज पास्ट के ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो जिन कैंडिडेट्स के परसेंटाइल स्कोर 10% 12% थे वो भी शॉर्टलिस्ट हुए थे. तो जेई मेन सिर्फ एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है क्योंकि ये एक टेक्निकल एंट्री है. बाकी 12th में अगर आपके PCM के स्कोर 60-70% तक हैं तो आप इन दोनों एंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं. बीटेक एंट्री में 70% PCM में मैंडेटरी मार्क्स हैं, वहीं टेक्निकल एंट्री में 60% मांगा गया है. बीटेक एंट्री में क्लास 12th में इंग्लिश में मिनिमम 50% एग्रीगेट होने चाहिए, सेम इज एलिजिबल फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम. तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. बट इन दोनों अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करिएगा. सीरियसली अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अभी से लग जाइए SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करने में, ताकि एंड मोमेंट आपको कोई वरी ना हो और आपने हर टेस्ट का एग्जामिनेशन डिटेल में गो थ्रू किया हो, आपकी एक वेल प्लान स्ट्रेटजी हो और इस दो अपॉर्चुनिटीज में किसी एक में आप सब SSB इंटरव्यू क्लियर करें और अपना सर्विसेज ज्वाइन करें 2023 में. तो जैसा कि मैंने कहा कि नेवी के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो अगर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं, यहाँ पे 18th August से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ना, इसकी लास्ट डेट है 28th of August. तो ये दो डेट्स आप मार्कअप कर लीजिए. साथ ही इसमें जो वैकेंसीज निकली हैं, दैट इज अबाउट द एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की 31 वैकेंसीज निकली हैं, एजुकेशनल ब्रांच की इसमें 5 वैकेंसीज निकली हैं, टोटल 36 वैकेंसीज निकली हैं और ये परमानेंट कमीशन है. ठीक है, एज ग्रुप यहाँ पे 2 जुलाई 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए.
नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ बातें दी गई हैं जिसको मैं बता देती हूँ कि आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। इसमें आपकी प्रेफरेंसेस दी जाएंगी ब्रांचेस की, तो या तो आप फर्स्ट ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं या बी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन, या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशन फिलअप करने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन द जेई मेन्स जो आपकी रैंकिंग आई है उसके बिहाफ पे शॉर्टलिस्टिंग होगी, और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें आएगा एसएसबी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बीटेक एंट्री के लिए 70% एग्रीगेट आपके पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होने चाहिए, एंड 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए आइदर इन क्लास 10th और क्लास 12th। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्राइटेरिया है, क्लास 10th या 12th में किसी में भी 50% मार्क्स हो मगर 70% एग्रीगेट आपके PCM 12th क्लास में होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ ही आपको मैंडेटरी है जेई मेन्स में अपियर करना 2022 एग्जामिनेशन, चाहे सेशन 1 या सेशन 2 आपने दिया हो और आपके पास उसका स्कोर कार्ड हो, ठीक है। डज नॉट मैटर कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपकी रैंक कितनी आई है, क्योंकि जो शॉर्टलिस्टिंग होती है नेवी में वो काफी लोअर रैंक तक जाती है, तो कोई एग्जैक्ट रैंक नहीं है, बट अगर आपके 7, 8, 9, 10 परसेंटाइल भी आए हैं तो कोई बात नहीं, आपकी कॉल आ सकती है। नेवी में कट ऑफ काफी लो जाती हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो अपना एक पैरामीटर होता है डिफेंस सर्विसेज में, आप सबको पता है, तो वो मेडिकल पैरामीटर्स वंस होंगे जब आप SSB क्लियर कर लेंगे और वहां से आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की जैसे मैंने बात की, आप सबने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी कॉमन रैंक लिस्ट जो जेई मेन्स आपने एग्जामिनेशन दिया उसके बिहाफ पे, फिर आप सबको मेल के थ्रू SSB इंटरव्यू की कॉल आएगी या फिर SMS, जो भी आप नंबर रजिस्टर करेंगे SSB इंटरव्यू की कॉल आएगी सितंबर से अक्टूबर में। जो SSB के सेंटर्स हैं नेवी के वो है बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम, तो इन जगह पे आपकी कॉल आ सकती है नेवी के लिए, ठीक है। किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन सेंटर चेंज नहीं होगा, ये बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अब SSB प्रिपरेशन करना, वंस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी पर्टिकुलर ब्रांच में जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, और अप्लाई किस तरह से करना है तो ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in पे जाना है, वहां पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो कि 10th एंड 12th मार्कशीट में होता है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जेई मेन्स का स्कोर कार्ड, कॉमन इंडिया रैंक लिस्ट जो भी है, एंड देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए जो कि JPG या टिफ फॉर्मेट में होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान रखिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो और सारी डिटेल्स आप एग्जैक्टली फिल कर रहे हो जिस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स में हो, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपकी डिटेल्स नहीं मैच करी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने बोला आपको जाना होगा indiannavy.gov.in पे, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई ऑनलाइन। आप जब इस पे अप्लाई करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे आपको अपना करस्पॉन्डेंट स्टेट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से कैप्चा को फिलअप करिएगा, एंड देन क्रिएट अकाउंट पे आपको जाना होगा कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है, अगर है तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए जो डिटेल्स हैं वो 2 प्रोसेस के हैं, एक विदाउट आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है मोबाइल नंबर से तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, और अगर आपका आधार कार्ड लिंक है तो आप रजिस्टर विद आधार करके और जो भी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं सो दैट आपकी डिटेल्स वैलिडेट हो जाए। आप बात कर लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जैसे मैंने बोला आप सबके पास ऑप्शंस हैं TES 48 एंड Navy 10+2 BTech एंट्री। नाउ द बेस्ट पार्ट इज आपके पास 2 पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं, दो SSB इंटरव्यूज आप फेस कर सकते हैं। TES 48 की बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ अगेन जेई मेन्स के स्कोर पे के बेसिस पे जाती है, एंड अगर आपके 70% के ऊपर एग्रीगेट हैं तो आप एलिजिबल हैं
अप्लाई करने के लिए और आपको कॉल आ सकती है। अगेन इसमें भी कट ऑफ काफी लो जाती है क्योंकि जो लास्ट टाइम की परसेंटाइल थी वो करीबन 7 या 8 परसेंटाइल स्टूडेंट्स जिनके जेई मेन्स में थे उनको भी SSB इंटरव्यू की कॉल आई थी। उसी तरह नेवी में तो कट ऑफ और लो जाती है, यानी जो परसेंटाइल स्कोर है वो काफी लो जाता है। एट टाइम्स ये 3-4 परसेंटाइल पे भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो दो अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों में आप अप्लाई करिए और SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। दोनों में से किसी भी अपॉर्चुनिटी को लाइटली मत लीजिए, आई एम टेलिंग यू, अगर आप सीरियस अटेम्प्ट के साथ प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप एलिजिबल हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपको SSB इंटरव्यू की कॉल आएगी आएगी। अगर TS-48 से नहीं आती है तो नेवी से डेफिनेटली आने वाली है, ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल टेल यू कि आप अपनी SSB प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। SSB इंटरव्यू ही है सब कुछ, और अगर आपने SSB इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। SSB इंटरव्यू जो है ये 5 दिन का प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बताया। इसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं इंटरनेट पे, और ऐसे बहुत सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी SSB इंटरव्यू के बारे में। लेकिन इन्हीं कोर्सेज के लिए, 10-15 डेज के कोर्सेज के लिए इंस्टीट्यूट आपको हायर मनी चार्ज करते हैं, 20,000, 25,000, 30,000। मैं कहती हूँ कि आपको SSB इंटरव्यू के लिए इतने अमाउंट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और घर बैठ के आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है, 10,000+ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। अगर आप गवर्नमेंट ट्रैकर्स का रिकॉर्ड उठा के देखें तो वी हैव ऑलरेडी बीन चेजिंग टेक्निकल एंट्री स्कीम, और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो प्रिपरेशन में जो मेजर प्रॉब्लम आती है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि प्रिपेयर कैसे करें, या जब वो कोचिंग में भी जाते हैं तो बड़े बड़े बैचेस में बैठा दिए जाते हैं जहाँ पे वो अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि एक ही बुक मिलती है और उसमें बहुत शॉर्ट स्पैन में, बहुत शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि SSB का जो प्रोसेस है काफ़ी ब्रॉड है। हर एक एग्जाम की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक एग्जाम करने का अपना तरीका है। तो क्या करें, तो जैसे मैंने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये 2 महीने का बेसिकली कोर्स है, इसे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग 1 हफ्ते में भी खत्म कर सकते हैं, 15 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 20 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 1 महीने में भी खत्म करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली कोर्स की वैलिडिटी 2 मंथ्स की रहेगी। आराम से आप अपनी प्रिपरेशन करिए क्योंकि बहुत टाइम है, अभी जस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपकी कट ऑफ आएगी, तब तक आपके पास इनफ टाइम होगा SSB प्रिपरेशन का। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और डिफेंस में अपना करियर देख रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते ही आपको अपना SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी टेक्निकल एंट्री स्कीम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अब क्योंकि ये नेवी का भी रिलीज हो गया है तो ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अगर आपने नहीं करी है तो यू आर लेट, और आप अपने SSB इंटरव्यू को लाइटली ले रहे हैं। Have faith in yourself. आप सबके पास वो क्वालिटीज हैं, इट इज जस्ट दैट आपको वो राइट डायरेक्शन चाहिए। तो वो राइट डायरेक्शन आपको गवर्नमेंट ट्रैकर्स के प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। कुछ नहीं करना है, घर पे बैठिए और जस्ट फॉलो करिए इस मेथडोलॉजी को। हैव फेथ इन आर प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं भी रिकमेंडेड हूँ, माई ब्रदर इज ऑल्सो करंटली सर्विंग इन टू द फोर्सेज, और हमने 10,000+ स्टूडेंट्स को ट्रेन कराया, उनके लाइव एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो गवर्नमेंट ट्रैकर्स के ऐप को आपको डाउनलोड करना है, जो कि गवर्नमेंट गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, या वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके। और वहाँ पे अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो NSB इंटरव्यू कोर्स, यानी नेवी SSB इंटरव्यू कोर्स पे एनरोल करिए, और अगर आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आर्मी SSB इंटरव्यू कोर्स में अप्लाई करिए। और आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, इस वीडियो में हमने डिटेल में एक एक टेस्ट को एक्सप्लेन किया है। फिर आपको उसी से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी जिसमें उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो SSB इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो सॉल्व भी हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही आपको फ्री मॉक इंटरव्यू टेस्ट भी मिलता है, जिस तरह से SSB में प्रैक्टिस होती है बिल्कुल उसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको फ्री मेडिकल गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी, यानी मेडिकल में किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, हर एक स्टेप पे आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। ये सब कुछ अवेलेबल है गवर्नमेंट ट्रैकर्स के इस प्लेटफॉर्म पे।
बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, सीरियस कैंडिडेट है और जो भी पेरेंट्स भी ये देख रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि इमिडिएटली अगर आप डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये दो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं आपके हाथ में, इन्हें लूज आउट मत करिए। और अगर टेक्निकल एंट्री स्कीम में आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते आर्मी के, तो डेफिनेटली नेवी में तो आपको कॉल आएगी आएगी, यानी आप SSB इंटरव्यू इन शॉर्ट फेस करने वाले हैं। इतना भरोसा खुद पे रखिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एंड यू विल रॉक द वर्ल्ड। सो ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।